तो दोस्तों, अगर आप Realme डिवाइस यूज करते हो और उस डिवाइस में अच्छा अच्छा थीम आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो आज का इस वीडियो में ऐसा जबरदस्त एक थीम के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे। उस थीम को अगर आपने एक बार अपना फोन में इंस्टॉल करोगे, अप्लाई करोगे, उसके बाद दोस्तों उसको आप हटाओगे नहीं। इतना खूबसूरत है, इतना दमदार है दोस्तों देखने में। जो कोई देखेगा वो पूरा पूरा चौंक जाएगा। अपना फोन सस्ता फोन है, देखने में दोस्तों बहुत महंगा लगेगा। इतना बढ़िया थीम से दोस्तों, इसमें इतना अच्छा अच्छा कस्टमाइजेशन है जो देखने के बाद आप पूरा का पूरा पागल ही हो जाओगे, चौंक जाओगे। तो कौन सा थीम किस तरीके से अप्लाई करना है, सब दोस्तों इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना। और दोस्तों, अधिकारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल करके रखना, तो ऐसे वीडियो रोजाना आपको मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, आज लाइक का टारगेट है 100। दोस्तों करवा दीजिए 100 लाइक। तो जबरदस्त थीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो, क्योंकि दोस्तों ये रियलमी फोन में अच्छा अच्छा थीम नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो पेड थीम है। तो आज दोस्तों बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दिखाएंगे इस थीम को कैसे अपना फोन में डाउनलोड करना है, अप्लाई करना है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं मेरा मोबाइल स्क्रीन पे। देखिए कितना बढ़िया मैं धमाकेदार एक थीम को अप्लाई किया है अपना इस डिवाइस में। देखिए Realme 5S डिवाइस है, जबरदस्त लग रहा है दोस्तों इस थीम को देखने में। इसका वॉलपेपर देखिए कितना अच्छा है, होम स्क्रीन देखिए, उस पर इसका जो ऐप आइकॉन है ना, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत अच्छा है। इसमें खास बात कौन सा है आप लोगों को दिखाते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर चेंजेस नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे अच्छा लग रहा है, देखिए इस जो सेटिंग का आइकॉन था कितना अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है साइड में। उसके बाद आप होम बटन, बैक बटन, रिसेंट बटन आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो क्या है, वो तो दिखाएंगे। उससे पहले इसका जो नंबर है वो सब दिखाते हैं। देखिए कितना आप लोगों को कलरिंग आप लोगों को देखने को मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया हुआ है कलर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका सबसे खास बात है इसका लॉक स्क्रीन। देखिए लॉक स्क्रीन ऐसा है, ठीक है, ऐसा स्वाइप लेफ्ट करोगे, राइट करोगे तो इससे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप पूरा का पूरा कैलेंडर देख सकते हो, उसके बाद घड़ी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सब लाइव चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टैंड बाई टाइम, कितना टाइम आपका फ़ोन चलेगा वो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऊपर से स्वाइप डाउन करोगे तो देखिए यहाँ पे टॉर्च है, सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब दोस्तों यहाँ से आप चालू कर सकते हो। मतलब देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो बहुत बढ़िया लगा है दोस्तों ये थीम, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा उन्हें बताना। और दोस्तों बात की जाए ये जो थीम्स मैं अप्लाई किया हूँ, जब दोस्तों इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से इस थीम को अप्लाई करना है। तो फाइनली वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।